हेलो एवरीवन, सैम इन दिस साइड। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है और आपका स्टेज एकदम इनिशियली हो रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कैसे काम होता है। देखिए, मैक्सिमम टाइम आप जब जहाँ से भी सीखते हो, सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज आपको रूल्स पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ होते हैं। बट अननेसेसरी कुछ भी मत सीखिए। आपको सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है। एक आपका होता है प्रोडक्ट नॉलेज और दूसरा हाउ यू आर गोइंग टू एंटर इनटू न्यू मार्केट और बायर को कैसे ढूंढना होता है, राइट? अब एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज आपका प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हनी के रिगार्डिंग बात करते हैं, ठीक है? हनी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो देख लीजिएगा प्रॉपर डिटेल में। ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि कैसा होता है। यूजुअली जब हम हनी के ऊपर एंटर करते हैं ना, तो हम ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि कैसे, मतलब कितने टाइप्स का वैरायटी का हनी है, आप प्रोडक्ट कैटलॉग में कितने वैरायटीज डालोगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकेंड, आप कैसे अप्रोच करोगे आपके बायर को, उसको क्या बताओगे, उसकी नीड्स क्या होती है, ये सेकेंड थिंग। थर्ड आता है कि आप जब हनी बाय करना चाहते हो तो आप किन को कॉन्टेक्ट करते हो, हनी बी कीपर्स वगैरह होते हैं ना, आप उनसे खरीदते हो। एल्स आप क्या करते हो, इंडिया मार्ट पे गूगल सर्च करते हो कि हनी के सप्लायर्स वगैरह कौन है, तो इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करते हो। इसमें होता क्या है कि मार्केट में ऑलरेडी बिग प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी उनका ब्रांड बन चुका है, या तो ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद का प्रोडक्शन है, तो वो लोग मार्केट में एंटर करते हैं। यहाँ पे आपको समझने वाली क्या चीज़ है, आप ये समझिएगा थोड़ा कि आप इनसे डिफ्रेंशिएट कैसे करते हो, राइट? अब इसमें एक फैक्टर्स क्या आते हैं, आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले याद रखिएगा हमेशा आपको किस चीज़ के ऊपर काम करना है कि परचेस करो हनी जैसे फार्मर्स वगैरह नहीं, तो या तो आप जंगल में जैसे लोग होते हैं जो आदिवासी लोग घूमते हैं, मतलब एक होता है ना ट्राइबल्स घूमते हैं, एकदम एकदम लो लेवल का। क्योंकि इंडियन लोगों का एक कैसे पता मेंटेलिटी क्या है कि आप जहाँ से सीखते हो ना, वो पहले ही डरा देता है आपको कि भाई इनसे मत खरीदना, एक्सपोर्ट क्वालिटी का अलग होता है, ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है। अब खुद सोचिए, जो मधुमक्खियाँ होती हैं उसको क्या पता एक्सपोर्ट क्वालिटी का पानी प्रोड्यूस करने क्या करना है। इट इज़ द ह्यूमन में कि हम जब ह्यूमंस उससे लग पानी लेते हैं, उसका फिल्टर करना है, ये करना, हम लोग मिक्सिंग करते हैं, राइट? तो आप रैदर देन बाइंग फ्रॉम बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, लाइक ट्रेडर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, उनसे खरीदने से अच्छा आप किसानों से खरीदो, या जो छोटे छोटे जंगलों जंगलों में रहते हैं वहाँ से खरीदो। उससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो आपको अच्छा रेट मिलेगा, सेकेंड आपको क्या होगा कि आपको क्वालिटी का इशू नहीं आएगा। अब लोग डराते हैं एक्सपोर्ट में कि ये क्वालिटी चाहिए, वो क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी के ऊपर डरने की टेंशन नहीं है। रीज़न आई एम टेलिंग यू, आप जितना बढ़िया क्वालिटी का हनी लोगे ना, आप उसको लैब से टेस्टिफाइड करवा लो, तो आपको ये बीच के एजेंट्स हट जाएंगे और आपको अच्छे रेट में मिल जाएंगे। अब जब ये एजेंट सटेंगे तो आपको लैब से सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, कौन से क्वालिटी का क्या हानि है, सब सब उसमें पता चल जाएगा। अब इसमें होता क्या है, आप जब भी किसी भी प्रोडक्ट में एंटर कर रहे हो, दो चीज़ें होती है, या तो बायर आपके पास आएगा या तो आपको बायर के पास जाना पड़ेगा। और देर आर नंबर ऑफ वराइटीज ऑफ हनी वार देयर, बट आप कौन सा हनी एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको यू हैव टू एजुकेट योर बायर कि मैं ये हनी मेरे पास है और हम ये आपको दे सकते हैं, क्वालिटी का इशू नहीं आएगा। अब इसमें क्या होगा कि आप एक छोटा क्वालिटी भी आप काम कर सकते हो। दूसरा, आप जिनसे भी हनी का बाय कर रहे हो उनको आप एजुकेट करो पैकिंग के रिगार्डिंग। आज आपने देखा होगा कि हनी तो हनी है, राइट? अब उसमें यूनिक क्या, डिफरेंशिएट आप क्या ला रहे हो, ठीक? डिफरेंशिएट में आप देखोगे कि आइदर लोग कांच का जार यूज़ कर रहे हैं, राइट? या तो आपका प्लास्टिक का जार यूज़ कर रहे हो आप, एल्स कितना ml वाला है आपका, 100 ml वाला है, 50 वाला है, आधा किलो वाला है ना, 1 किलो वाला है, तो डिफरेंशिएट करो। अगर अगर मुझे करना हो हनी का, तो मैं कॉस्ट कटिंग के चक्कर में आई नो कि प्लास्टिक का जार सस्ता पड़ेगा, बट मैं ऐसा कुछ ट्रेडिशनल वे में होता है ना, जैसे पुराने ज़माने में लोग मटके में लगा देते हैं हनी वगैरह, ऐसे काइंड ऑफ पॉट्स बनाना वगैरह, तब वो चीज़ ला के आप यूनिक कर सकते हो, ठीक? ये चीज़ें होगी। उसके बाद कैसे होता है, जब भी आप छोटे प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हो, एग्जांपल देता हूँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में काम कर रहे हो बट आपका वॉल्यूम कम है, इनिशियली देखो आपका सीखने का स्टेज है, तो आपको मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप 5 लाख 10 लाख लगा के पूरा कंसाइनमेंट करो। और जो बाकी के लोग कर रहे हैं तो आप वो क्यों कर रहे हो, हर कोई ऑनियन में एंटर कर रहा है, तो ऑनियन में तो एजेंट ईजिली मिल जाता है, उसमें सीखने वाली कोई बात नहीं कि आपने कुछ सीखा है, नथिंग लाइक दैट, राइट? तो एग्जाम्पल, अगर आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, हाईली पेरिशेबल है और बाय फ्लाइट से भेज रहे हो आप, तो कभी भी ऐसे जगह पे बाहर मत ढूंढना कि आउटस्कर्ट्स में मत ढूंढना, मतलब जो भी आपके टारगेट कंट्री उसके मेन सिटीज़ में देखना, कैपिटल्स वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है, राइट? तो आपको
उस मेन सिटी के बाहर कहीं आउटस्कर्ट्स में अपने बाहर ढूंढा, तो आप उसको पहुंचाओगे कैसे? क्योंकि एक जगह से मेन सिटी से आके फिर वहाँ पे अलग सा एयरपोर्ट, दूसरा होता है ना, लोकल फ्लाइट्स वगैरह पहुँचती हैं, या तो वहाँ पे उनके थ्रू कर रहे हो, या तो आपको नया बाकी वैसे भेजना है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना कि कैसे गया है। और दूसरी क्या पता है इसमें बेनिफिट क्या आता है, जो भी आपका हनी बचता है ना, तो फार्मर लोग क्या करते हैं, जो वैक्स होता है ना फेंक देते हैं। तो उनको समझाओ कि वैक्स आप उनसे बाय कर लो, आपको मतलब आई डोंट थिंक सो उसका पे भी करने वाले, मतलब चार्ज करने वाले हैं आपसे, बट आप उनको